जो चीज हमारे नियंत्रण में नहीं है उसके बारे में हमें विचार नहीं करना चाहिए, क्योंकि अनावश्यक विचार करने से हमें स्वयं को ही परेशानी होगी। यह कहानी है बुद्ध की। एक बार बुद्ध अपने शिष्यों के साथ समूह में चर्चा कर रहे थे। तब बुद्ध ने पूछा कि यदि कोई आपको जहर वाले तीर से मारता है तो क्या आप बैठकर गांव का विलाप करेंगे या आप तीर को बाहर निकालेंगे और गांव को ठीक करने की कोशिश करेंगे। तब शिष्यों ने जवाब दिया कि हम निश्चित रूप से तीर को बाहर निकालेंगे और गांव को ठीक करने का प्रयास करेंगे। तब बुद्ध ने पूछा, और यदि आपके द्वारा तीर निकालने के बाद और गांव को ठीक करने की कोशिश करने के बाद यदि कोई आपको दूसरे तीर से मारता है तो तब आप क्या करोगे? दूसरे तीर के लिए आप विलाप करोगे या फिर और क्या करोगे? तब शिष्यों ने उत्तर दिया कि नहीं, हम ऐसा नहीं करेंगे, हम दूसरा तीर निकालेंगे और गांव को ठीक करने का प्रयास जारी रखेंगे। तब बुद्ध ने समझाया कि पहला तीर जीवन की अपरिहार्य पीड़ा और कठिनाइयों का प्रतिनिधित्व करता है, जैसे बीमारी, बुढ़ापा और मृत्यु। ये अपरिहार्य है, यानी कि इन पर हमारा वश नहीं है, इनके बारे में विलाप करना व्यर्थ है। दूसरी ओर दूसरा तीर इन कठिनाइयों के प्रति हमारी प्रतिक्रिया को प्रतिनिधित्व करता है, हमारे नकारात्मक विचार, भावनाएं और व्यवहार, जो हमारे दुख को बद से बदतर बनाने का काम करते हैं। इस कहानी से हमें यह सीख सकते हैं कि जब हम उन बाहरी घटनाओं को नियंत्रित करने में सक्षम नहीं हैं जो हमें पीड़ा पहुंचाती है, हमें उन घटनाओं के प्रति अपनी आंतरिक प्रतिक्रिया को नियंत्रित करना चाहिए। अपनी चेतना को विकसित करके करुणा, कृतज्ञता, समभाव और सकारात्मकता जैसी चीज़ों को अपने दिमाग में लाना चाहिए। मानसिक दुख को प्रकट करने से कुछ नहीं होगा। जिस प्रकार तीर लगने के बाद अगर आप विलाप करेंगे और अपने घाव को ठीक करने का प्रयास नहीं करेंगे तो बेकार है, और दूसरा तीर लगने के बाद अगर आप पहले वाले तीर के जैसे उसका घाव हुआ उसको विलाप करोगे तो कोई काम चलने वाला नहीं है। इसका मतलब हमें अपने दिमाग को इस तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए ताकि हमें दुख का एहसास ना हो। हम अपने स्वयं के दुख को कम करना सीख सकते हैं और जीवन में अधिक खुशी और शांति प्राप्त कर सकते हैं। इस कहानी से आपको क्या शिक्षा मिली कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। नमो बुद्धाय। जय चित्तौड़। जय मेवाड़।